భారత్ జోడో యాత్ర ముగింపు సభ వేడుకలు శ్రీనగర్లో జరుగుతున్నాయి. కాగా ఈ ముగింపు సభకు రాహుల్, కర్గే, ప్రియాంక సహా సీనియర్స్ అంతా హాజరయ్యారు. శ్రీనగర్ పిసిసి ఆఫీసులో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించారు రాహుల్. సభా ప్రాంగణంలో విపరీతంగా మంచు వర్షం కురుస్తోంది. అయినప్పటికీ భారత్ జోడో యాత్ర ముగింపు సభలో పాల్గొనేందుకు మంచు వర్షంలోనే ప్రజలు, కార్యకర్తలు తరలివచ్చారు. ప్రస్తుతం అక్కడ రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. అల్లెవ్ చూద్దాం. अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए. मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ, मैं झिझका क्यों आपको जैकेट चाहता हूँ. व्हाइट जैकेट, मैंने व्हाइट जैकेट, ओ व्हाइट जैकेट चल रहा था. हमारे व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे कान में बोला, राहुल जी यार, अरे उसको नीचे करो, जैकेट ये गंदे हैं, नीचे उतरो यार. इनके इनके पास आपको तो चेयर में खड़ा होकर ताली बजा रहे हो. तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ है. तो देश में कभी कभी ये विचारधारा दिखाई दे जाती है. दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे, जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी. आपने देखा, आपको नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी. मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है. और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को हमारा और भी नुकसान हो जाएगा. तो ये हमारी देश की सच्चाई है. ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूँ. तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ. मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से अलाहाबाद छाता और मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ. छाता नीचे, घर मेरे लिए जब से मैं छोटा था सरकारी घरों में रहा, मेरा अपना घर नहीं है. तो मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना. वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता. घर मेरे लिए एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है. छतरी छतरी नीचे करो, सुनता नहीं है यार. और यहाँ पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर छाता. अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है,
एक तरफ और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है। सोच वही है, इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है पना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये सालों से रिश्ता है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है। गांधी जी वैष्णव जनतों की बात, इसको हम यहां शून्यता फना कहते हैं, उसको गुजरात में वैष्णव जंतु कहा जाता है, असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही, कर्नाटक से हमारे यहाँ जो लोग आए हैं वहाँ बसवा जी ने ये बात कही, केरल में नारायण गुरु ने ये बात की, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी ने ये बात की, और यहाँ इसको हम कश्मीरियत कहते हैं, लोगों को जोड़ना और दूसरों पर आक्रमण नहीं करना, अपने आप पर आक्रमण करना, अपनी कमी देखना। कैमरा और क्लोज दिखाओ, इससे क्लोज नहीं जा सकते, मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था, अलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहां पास में हमारा घर है, तो जब यहां से वो वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला, गंगा में ले गए उस सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था। उत्तर प्रदेश में गंगा चौका हो गया, तहजीब कहा गया, लो ब्लैक उसका छत्री। భారత్ జోడయాత్ర ముగింపు సభలో పాల్గొన్నారు రాహుల్ గాంధీ. యాత్రలో ప్రజల సహకారం ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిందని, అన్ని వర్గాల ప్రజలు తనతో బాధలు పంచుకున్నారని చెప్తున్నారు. ఇక మరో అంశం చూస్తే ఏపీ మంత్రి అంబటి